हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योगा बाय जेड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। योग क्या है? योग भारत और नेपाल में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने यानी योग का काम होता है। यह सब प्रक्रिया और धारणा हिंदू बौद्ध जैन ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से ही बौद्ध धर्म के साथ चीन जापान तिब्बत दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं। इतनी प्रसिद्धि के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्यक्ति और अतिव्यक्ति दोषों के मुक्त हो। योग शब्द के वाचित्रा के ऐसा लक्ष्य बतला सके जो प्रत्येक प्रसंग में के लिए उपयुक्त है और योग के सिवाय किसी अन्य वस्तु के लिए उपयुक्त ना हो। वर्तमान समय में अपनी व्यवस्था जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मानसिक को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि हमारे आत्मा को भी शुद्ध करता है। उसमें योग शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले और कभी सवेशेर। पतंजलि योग दर्शन के क्रिया योग शब्द देखने में आता है। पशुपात योग महाशय योग जैसे शब्दों के भी प्रसंग मिलते हैं। इन सब स्थलों में योग शब्द को जो अर्थ है वह है दूसरे से भिन्न है, परंतु इस प्रकार के विभिन्न प्रयोगों को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि योग की परिभाषा करनी कठिन कार्य है। जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 192